Thank you. Thanks a lot, everyone. 5-0. Yeah. Next point.
चेंज करते हैं स्लोली एक्चुअली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी एक नई तरीके से और बहुत टाइम से जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा मेरी फिल्मों को तो मैं हमेशा से एक हैशटैग होता था मेरे साथ मोटी पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे बल्कि मोटी बहुत कुछ बोल रहे थे तो मैंने एक दिन डिसीज़न लिया कि और लोग ये भी बोलते थे कि ये तो इस जन्म में कभी पतली नहीं हो सकती तो यही इसी बात को मैंने चैलेंज के तरीके रूप में लिया और मैंने अपना वेट लॉस किया तो ये फ़ोटोशूट इसीलिए रिलीज़ होने वाला है ताकि लोगों को पता चले कि मैंने कितना वेट लॉस किया मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ और मैंने किस तरह वेट लॉस किया तो बस ये फ़ोटो उसी वजह फ़ोटोशूट उसी वजह से देखिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो मीडिया है अपने लेवल पर वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और रही बात फिल्म फेयर और ये सारी चीज़ें तो फिल्म फेयर में मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अलावा और किसी भी अभिनेत्री या अभिनेता को जगह नहीं दी जाती है तो मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री वैसे ही बहुत सीमित इंडस्ट्री है जब वहाँ पर साउथ के एक्टरों को जगह नहीं मिलती है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें जगह मिलनी चाहिए स्टार्टिंग डेज में मैंने बहुत फ़ोटोशूट किए हैं क्योंकि हमारे फिल्मी पोस्टर्स के लिए फ़ोटोशूट होते थे लेकिन पर्सनली जैसे हर एक्टर एक अपना पोर्टफोलियो करता है या हर सुपरस्टार अपने एक नए नए फ़ोटोशूट्स लाते हैं वैसा हमारी इंडस्ट्री में नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे शुरू होगा ये चीज़ क्योंकि पहली बार मैं अपना पोर्टफोलियो या अपने अपने मूड के हिसाब से एक फ़ोटोशूट ला रही हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे बाकी के एक्टर भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और क्या सवाल क्या था आपका कि मतलब डिजर्व करती है भोजपुरी आर्टिस्ट भी डिजर्व करती है ये चीज़ बिल्कुल और मुझे लगता है कि इस फ़ोटोशूट के बाद से सब फॉलो अप करेंगे एक नए तरीके का लुक लाना एक नए अपने आप पर वर्क करना तो आई थिंक इस फोटोशूट के बाद शुरू होगा नो मुझे लगता है कि मैं इतनी काबिल तो हूँ कि मैं अपनी पर्सनालिटी के ज़रिए ही लोगों तक पहुँच सकती हूँ अपने टैलेंट के ज़रिए लोगों तक पहुँच सकती हूँ और मैंने साबित भी किया है हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि इस लुक में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि मैं ऐसे लुक में आऊँगी ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा वेट लॉस करना है और अपना एक नया रूप लोगों के सामने लाना है दैट्स वाई मैं कर रही हूँ अदरवाइज जो फ्लैग लगाते हैं या मोदी जी के फ़ोटो की तस्वीरें बना के पहनते हैं इसकी फ़िलहाल मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है और आप ये पूछना चाहूँगा कि जैसे समय आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो स्टार्स के प्राइस हैं मेल फीमेल काफ़ी बढ़ रहे हैं भोजपुरी हिंदी फिल्म की बात बिल्कुल होनी चाहिए और मैं तो ये कहती हूँ कि मेल एक्टरों को ही ज़्यादातर पैसे दिए जाते हैं फीमेल एक्टरों के बारे में लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि एक गाड़ी दो पहिए पर चलती है ना कि एक ही पहिए पर चलती है जितना हकदार मेल एक्टर होता है उतनी ही हकदार फीमेल एक्टर भी होती है
लेकिन पता नहीं हमारी इंडस्ट्री पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, पुरुषों को ज़्यादातर पैसे दिए जाते हैं। एक फिल्म हिट होती है तो हीरो का प्राइस 3 गुना बढ़ता है और हीरोइन अपनी ही प्राइस में जंतोजहस कर रही होती है। ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारी इंडस्ट्री का। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ऑलमोस्ट हमारी कई एक्ट्रेसेस ने इस लड़ाई में जीत हासिल की है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अब तक ये लड़ाई चल रही है। तो मैं बस आप ही लोगों से कहना चाहूँगी कि बराबर का हक दिया जाए हम सबको। मैंने वेट लॉस के लिए जिम, क्रॉसफिट, फंक्शनल ट्रेनिंग, मेरा ट्रेनर बहुत अच्छा है, उसने बहुत हेल्प की। मैंने डाइट किया प्रॉपरली, मैंने स्विमिंग भी किया, लेकिन मेन जो वेट लॉस मैंने किया वो मैंने वर्कआउट से किया और डाइट से किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ी बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री में एक साथ हीरो सभी मूवी में एक साथ नजर आते हैं, आपका क्या विचार है? एक्चुअली मैं इस बारे में अगर कुछ बोलूँगी ना तो हो जाएगा फिर कॉन्ट्रोवर्शियल ये इंटरव्यू, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है हमारी इंडस्ट्री का कि कोई अगर बोले तो भी फंस जाता है, नहीं बोले तो भी फंस जाता है। मैं अपना नज़रिया रखना चाहूँगी इस बारे में कि कोई भी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में हिट जोड़ियाँ होती हैं। बॉलीवुड में शाहरुख काजोल हैं, रेखा जी अमित जी हैं, या हर इंडस्ट्री में एक हिट जोड़ी होती है, मगर एक हिट जोड़ी को फ्रेश कैसे रखा जाता है ये बॉलीवुड के एक्टरों से हमें सीखना चाहिए, ना कि इतनी बार आप अपने आप को लेकर आएँ, इतनी बार लेकर आएँ कि लोग उस जोड़ी से ही चिढ़ जाने लगे कि यार बार बार यही दिख रहा है। तो मेरा नज़रिया है कि अगर कोई जोड़ी हिट है तो आप उसको फ्रेश रखें, बहुत अच्छी फिल्में साथ में करें और फ्रेश रखें बस अपनी जोड़ी को, मैं ये कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल कर रही हूँ, हाल ही में मेरा एक नया पोस्टर लॉन्च होगा, आप लोगों को पता चलेगा। एक्शन में वापस से कमबैक कर रही हूँ, चूँकि मैंने एक्शन फिल्में 4 साल से नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं करनी थी, बट लोग बोल रहे हैं कि एक्शन में वापस से आप आइए, तो एक एक्शन फिल्म वापस से शुरू होगी मेरी। मीडिया का तो ऑलवेज सपोर्ट रहता है, क्योंकि मीडिया ही है जो आपको अच्छा दिखाती है और बुरा दिखाती है। नहीं, अब तक वो दिन नहीं आया और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये दिन आए कि मुझे बुरा दिखाया जाए, लेकिन मीडिया तो नो डाउट, एक्टर और मीडिया का तो चलता रहता है, ऐसा रिश्ता ही है कि ना वो उनके बिना रह सकते ना हम उनके बिना रह सकते हैं। नहीं, कोई शिकायत नहीं फिलहाल अभी तो। आपकी पंजाबी मूवी भी आ रही है? जी हाँ, मेरी पंजाबी फिल्म आ रही है आसरा, जो अभी रिलीज़ पे है, उसमें मैं डेब्यू करने जा रही हूँ। मुझे आप सबके प्यार की ज़रूरत है ताकि आप लोग उसको हाईलाइट करें कि रानी चैटर्जी का डेब्यू हो रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में, तो बस आप लोग की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। थैंक्स।